ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सफर करते हुए कार रोककर खाना पीना आम लगता है, लेकिन सोचिए अगर शराब पीने के लिए पूरी की पूरी ट्रेन रोक दी जाए तो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ है, वो भी बिहार के समस्तीपुर में। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ मानसी। ट्रेन नंबर 05278 समस्तीपुर से सहरसा पैसेंजर ट्रेन जब हसनपुर स्टेशन पहुंची तब राजधानी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने की वजह से कुछ देरी हो रही थी। इसी बीच असिस्टेंट लोको पायलट करमवीर यादव ने ट्रेन के इंजन को छोड़ दिया और वो गायब हो गए। जब राजधानी एक्सप्रेस गुजर गई तब पैसेंजर ट्रेन को सिग्नल दिया गया और ट्रेन करीब 1 घंटे तक रुकी रही। तब स्टेशन मास्टर ने वॉकी टॉकी पर असिस्टेंट लोको पायलट से बात की, तब पता चला कि असिस्टेंट लोको पायलट तो गायब है। इसके बाद लोको पायलट की खोजबीन शुरू हुई, लेकिन काफी देर तक वो नहीं मिला। बाद में बाजार की ओर नशे की हालत में हंगामा करता करमवीर जीआरपी को मिला। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जीआरपी पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से आधी खाली बोतल शराब की बरामद हुई। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। नशे में धुत लोको पायलट का वीडियो जरा आप भी देख लीजिए। कहाँ घर भले? जितवारपुर है लगा। तोर बेटा जी अब बेटा। तो नेल पिए क्या है ड्राइवर से बताओ कैसे पी लो? ड्राइवर छे अब चिल्ला है ड्राइवर छे बढ़वा। जब करमवीर से पूछा गया कि क्या उसने शराब पी है तो देखिए उसने क्या कहा। क्या नाम, नाम क्या हुआ, क्या नाम हुआ आपका? कल भी बता दिया ना, लोको पायलट। लोको पायलट है, शराब पिए हुए है? शराब पिए हुए है। कौन सा शराब पिए हुए? आपके पास से भी बरामद हुआ है शराब, उसका भी विजुअल है। कौन विजुअल है? हाँ कहाँ पर है? पास में है। शराब पिए हुए हैं आप, ये बताइए कहाँ पर है? आप शराब के नशे में है? नहीं। आज गाड़ी ट्रेन लेके आ रहे थे? नहीं नहीं। इस घटना के बाद समस्तीपुर रेल मंडल के DRM आलोक अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपी लोको पायलट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घंटे भर ट्रेन रुके रहने के कारण ट्रेन में सवार यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया था, इसलिए बाद में दूसरे असिस्टेंट ड्राइवर को बुलाया गया, ट्रेन को रवाना किया जा सका। ये वाकया फिर से बिहार में शराबबंदी कानून की जमकर धज्जे उड़ाने का सबूत है। अगर बिहार में शराबबंदी है तो आखिर ये कैसी शराबबंदी है? ये थी समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट, आप देख रहे थे बिहार तक।